व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो परसों की रात सभी को चैन की नींद जरूर आई होगी, राइट? एक्सेप्ट कुछ लोगों को छोड़ के जो ये एनिमेशन क्वालिटी को देखकर थोड़ा सा अपसेट है। एंड या आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट परसों वाले ट्रेलर में हमें दिखाया गया था कि ये मूवी 100% CGI नहीं होने वाली है, उसमें हैंड ड्रॉन 2D कट्स भी होने वाले हैं, या फिर ऐसा कह लो कि कुछ CGI कट्स ऐसे होंगे कि वो हमें ऑलमोस्ट 2D जैसे ही दिखाई देंगे, जैसे कि ये वाला फ्रेम। वेल, अगर आपने परसों वाला इवेंट मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्विटर के लिंक पे जाके सारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे पढ़ सकते हो। इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि हम लोग ट्रेलर के हर एक फ्रेम को पॉज करके उसे एनालाइज करके मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से मूवी में क्या चल रहा है, और मैं आपको 25 ऐसे विजुअल डिटेल्स बताने वाला हूं जो मोस्ट लोगों ने मिस कर दिया था उस ट्रेलर से। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू इट राइट आफ्टर दिस। ट्रेलर की शुरुआत में हमें ये 3 नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, एक ये गॉगल्स पहना हुआ आदमी, एक ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ आदमी और तीसरा ये लड़का। इस वाले फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लड़का इस मूवी में एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करने वाला है। अगले सीन में हम उस लड़के को एक पर्पल आउटफिट में देखते हैं। ये पर्पल आउटफिट इज कम्प्लीटली सिमिलर टू दैट कॉस्ट्यूम वाला आदमी जिसे हमने पिछले सीन में देखा था। ये लड़का उस आदमी का बहुत ही बड़ा फैन लग रहा है, जिस वजह से इसने उसके कॉस्ट्यूम पर बेस्ड अपना आउटफिट पहना है। इस लड़के की आउटफिट में और उस कॉस्ट्यूम वाले की आउटफिट में बस एक ही अंतर है कि इस लड़के के आउटफिट में एक बड़ा सा H लिखा हुआ है जो कि उस आदमी के कॉस्ट्यूम में नहीं है। मे बी H से इस कॉस्ट्यूम वाले गाय का नाम शुरू होता हो, या फिर इस साइंटिस्ट वाले लड़के का नाम शुरू होता हो, या फिर हीरो वर्ड से ही वो H लेटर लिया गया हो, बिकॉज यू नो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो। नेक्स्ट सीन में हमें एक हाईटेक गाड़ी दिखाई जाती है जो कि एक सुरंग में से होकर कहीं पर जा रही होती है, और इधर जो बंदा ड्राइव कर रहा है वो एक्चुअली में वही सेम बंदा है जिसे हमने पहले सीन के फोटोग्राफ में देखा था, और ट्रेलर के कई सीन्स में ये सेम बंदा बार बार नजर आता है, तो इसे एक नॉर्मल ड्राइवर समझना गलती होगी। कार के पीछे बैठा ये आदमी उस साइंटिस्ट वाले लड़के को डांट रहा है या अपना कोई प्लान बता रहा है शायद, और नोटिस करो कि इस गाड़ी के फ्रंट पे उसी आदमी का एक डॉल है जिसे वो ड्राइवर एडजस्ट कर रहा होता है। इस आदमी के लुक से देखकर ये पता लगता है कि ये जरूर बहुत ही अमीर होगा, क्योंकि इसके गले पर एक सोने की चेन है और इसके बाएं हाथ पर एक गोल्ड वॉच, और ये सब चीजें कंफर्म करती है कि ये जरूर से कोई एक अमीर ज्यादा है। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सीन, यप I can hear you all. वीडियो के स्टार्टिंग से ही आप जिस डिटेल के बारे में सुनना चाहते थे, I know. इस अमीरजादे के कोट पर रेड रिबन आर्मी का सिंबल लगा हुआ है, which means कि ये आदमी रेड रिबन आर्मी से बिलोंग करता है। अगर आप भूल गए हो या आपको पता ही नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ड्रैगन बॉल में, मतलब जिस सीरीज में गोकू बच्चा हुआ करता था, तब गोकू ने अकेले रेड रिबन आर्मी के हेडक्वार्टर्स को अकेले ही तबाह किया था। उस हेडक्वार्टर्स में जितने भी सोल्जर्स या एंड्रॉइड्स थे वो सभी किड गोकू के हाथों मारे गए थे, बट उस आर्मी के कुछ लोग दुनिया के कुछ दूसरे जगहों पर भी थे तो वो लोग जिंदा बच गए थे, और उन्हीं में से एक थे डॉक्टर गेरो, जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी में एंड्रॉइड 16, 17, 18 सेल और बाकी सारे एंड्रॉइड्स को बनाया था ताकि वो गोकू से रेड रिबन आर्मी को तबाह करने का बदला ले सके। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट, मे बी ये साइंटिस्ट भी रेड रिबन आर्मी के लिए ही काम करता हो। ओह, एंड अनदर स्मॉल डिटेल हियर, ये लड़का पीछे बैठकर ओरियो बिस्किट खा रहा है। नेक्स्ट सीन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। यहाँ पर गोकू के फेस पर एक बहुत ही स्केरी लुक है, एक बहुत ही ईविलिश लुक है। इनफैक्ट वेजिटा और माजिन बू का भी एक स्केरी लुक दिखाया गया है इन फोटोज में। यह वेजिटा का ये स्केरी लुक ही है, आई मीन ही इज द बैड मैन वेजिटा, तो इस वेजिटा से स्केरी तो और कोई वेजिटा होगा ही नहीं। और पूरे सीरीज में अब तक वेजिटा ने ये आउटफिट सिर्फ एक ही बार पहनी है, वो तब था जब मेका फ्रीजा अर्थ पर अटैक करने के लिए आता है और फ्यूचर ट्रंक्स उसे खत्म कर देता है। सो प्रोबेबली वेजिटा की ये फोटो उस वक्त की है, अनलेस वो इस मूवी के स्टार्टिंग से ही ये शर्ट पहनकर कहीं पर ना निकला हो तो। ऑल्सो अगर आप नोटिस करो बू का ये फोटो, तो उसमें उसका मुंह ब्लू कलर का दिखाया गया है, जबकि एनिमे में आज तक उसके मुंह का रंग
नॉर्मल कलर था, मतलब रेड कलर था, बट मांगा में टोरियामा ने पहले से ही बू के मुंह का कलर ब्लू रखा था। दिस जस्ट शोज कि ये मूवी मांगा को लेकर कितना सीरियस होने वाली है और कितना ज्यादा एक्यूरेट होने वाली है। इस सीन में हमें पहली बार उन दो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम परसों के पैनल डिस्कशन में रिवील किया गया था। दे आर कॉल्ड गामा 1 एंड गामा 2। नाउ इफ यू लुक क्लोजली एट देयर बेल्ट्स, उसमें गामा का सिंबल पहले से ही बना हुआ है। हाँ भाई, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, तो गामा को पहचानना तो मुझे आता ही होगा, बट हाँ, ये मैंने तब नोटिस किया जब इनका नेम रिवील हो गया था। ग्रीक अल्फाबेट में एक्चुअली गामा थर्ड लेटर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सोचना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये गामा 1 और गामा 2 किसी चीज़ के थर्ड जनरेशन हो सकते हैं। एंड रेड रिबन आर्मी ने आज तक क्या बनाया है? यप, यू गॉट दैट राइट। रेड रिबन आर्मी ने ड्रैगन बॉल की शुरुआत से ही एंड्रॉयड्स बनाना चालू कर दिया था। ड्रैगन बॉल में हमने सिर्फ एंड्रॉयड 8 को ही देखा था, देन ड्रैगन बॉल जी में एंड्रॉयड 16 से 21 तक के एंड्रॉयड्स देखे थे और सेल भी। सो व्हाट इफ नंबर 8 से लेके नंबर 21 तक के सभी एंड्रॉयड्स अल्फा जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन के थे और सेल जो कि उन सभी से अलग था वो बीटा जनरेशन का या सेकेंड जनरेशन का है। और अभी इस नए मूवी में जो दिखाए गए हैं गामा 1 और गामा 2, वो दोनों गामा जनरेशन यानी थर्ड जनरेशन के एंड्रॉयड्स हैं। वेल, थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो गामा 1 एंड गामा 2 ने रेड और ब्लू कलर के केप्स पहने हुए हैं। दिस इज प्रोबेबली एन ओमाज टू कमांडर रेड एंड जनरल ब्लू फ्रॉम ड्रैगन बॉल, जिन्हें गोकू ने अपने हाथों से मारा था। ऑल्सो गामा 1 एंड गामा 2 दोनों ने ही केप्स पहने हैं, राइट? और केप्स कौन पहनते हैं? दैट्स राइट, सुपर हीरोज केप्स पहनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेट सेयर मैन। सो मे बी इन एंड्रॉयड्स में कोई एक ऐसा डेटा हो जो इन्हें एक हीरो की तरह सोचने पर मजबूर करता हो। मतलब ये दो एंड्रॉयड्स अपने आप को शायद सुपर हीरोज मानते होंगे, जिस वजह से प्रोबेबली गोकू एंड उसके दोस्तों से बदला लेने के लिए रेड रिबन आर्मी गोकू और उसके दोस्तों को विलन्स बताकर इनसे कहती है कि वो उन्हें खत्म कर दे, विच वुड एक्सप्लेन दैट स्कैरी ईविलिश लुक दैट गोकू वेजिटा एंड बू हैड इन देयर पिक्चर्स। रेड रिबन आर्मी ने गोकू वेजिटा माजिन बू और बाकी सभी को ऐसा ईविल लुक दिया है ताकि गामा 1 और 2 कन्विंस हो जाए कि वो सभी लोग विलन्स हैं और वो दोनों हीरोज हैं जिन्हें उन विलन्स को खत्म करके अर्थ में पीस रिस्टोर करनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिटेल, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चारों तरफ अल्फाबेट और नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है। वेल, अगर हम थोड़ा जूम इन करें तो हम देख सकते हैं कि ये एक्चुअली कैमरा की सीरियल नंबर्स हैं। यू कैन सी राइट हियर इट सेज CAM, मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैमरा। बट ये कैमरे किस चीज के लिए हो सकते हैं? उनके बेस के बाहर लगे हुए सिक्योरिटी कैमरास? नो, आई डोंट थिंक सो, सिंस ये एक लैबोरेटरी है और ऐसे सब चीजें ज्यादातर कंट्रोल रूम में हुआ करती हैं। सो आई थिंक ये 6 कैमरास से रेड रिबन आर्मी गोकू और बाकी सब पर नजर रखे हुए हैं। मतलब एक जन के लिए एक कैमरा 24/7 फीड रिसीव करता है। आपको याद होगा कि डॉक्टर गेरो ने भी ऐसे ही छोटे बग कैमरास लगाए थे गोकू और बाकी सब के पीछे, जिससे कि वो सेल को डेटा दे पाया था। तो अब सवाल उठता है कि ये 6 लोग कौन हो सकते हैं? वेल, आई गेस वो 6 लोग हैं गोकू, वेजिटा, माजिन बू, मिस्टर सेटन, पिकलो और ग्रेट सेया मैन। यू माइट आस्क कि क्रिलिन, टीएन, मास्टर रोशी और एंड्रॉइड 1718 क्यों नहीं है इस लिस्ट में? वेल, आई डोंट थिंक कि रेड रिबन आर्मी क्रिलिन, टीएन और मास्टर रोशी को इतना बड़ा थ्रेट मानती होगी, और एंड्रॉइड 1718 तो खुद रेड रिबन आर्मी के ही प्रोडक्शंस हैं, सो व्हाई वुड दे गो आफ्टर देम, राइट? नेक्स्ट सीन में हमें ये एक जेट दिखाया जाता है, बट आई एम नॉट श्योर कि उसमें कौन बैठा हुआ है। बट क्योंकि यहाँ पर कैप्सूल कॉर्प यानी बुलमा का घर नजर आ रहा है, तो प्रोबेबली इस जेट में भी बुलमा ही हो और वो इसे टेस्ट ड्राइव पर लेकर निकली हो। नेक्स्ट सीन में हमें क्लियर शॉट दिखाया जाता है गामा 2 का,
नोटिस कीजिए कि उसके लेफ्ट शोल्डर पर रेड रिबन आर्मी का मार्क है, जो कि पहले हमें जो कैरेक्टर शीट्स मिली थी उसमें वो मार्क नहीं था। सो मे बी उन्हें ये टैग मूवी में कुछ देर बाद मिला, मतलब उनके फर्स्ट अपीयरेंस में वो टैग नहीं था, बट आगे चलकर मूवी के किसी एक पॉइंट पर उन्हें वो टैग दिया गया हो। या फिर अगर आपको याद हो तो ये कैरेक्टर शीट मूवी के एनिमेटर्स ने नहीं बनाई थी, ये शीट डायरेक्टली टोरियामा के डेस्क से ही बनकर आई थी, इसलिए इसमें वो मूवी वाला लुक नहीं दिखेगा आपको। सो प्रॉबेबली टोरियामा ने मूवी स्टाफ को सिर्फ ये डिज़ाइन दिया होगा ताकि वो इसी डिज़ाइन को बेस करके उन्हें मूवी के लिए एक मॉडल बना सके, और बाद में उनसे कहा होगा कि मैंने रेड रिबन आर्मी का लोगो यहाँ पर नहीं डाला तो आप लोग डाल लो, इज वॉट आई थिंक। और इस शॉट में अगर हम थोड़ा जूम करें तो गामा 2 के गन पर 2 लिखा हुआ है, और कैरेक्टर शीट्स में गामा 1 की गन पर 1 लिखा हुआ था, और उसके बाजू में शायद वो गामा का ही सिंबल है। आई कांट रियली सी दैट क्लियरली। नेक्स्ट शॉट में हमें फाइनली पैन को दिखाया जाता है जो कि पिकलो के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, और वो एक टी शर्ट पहने हुए है जिस पर GTH लिखा हुआ है और एक डेविल का भी लोगो है। आई डोंट थिंक कि मूवी में GTH का फुल फॉर्म बताया जाएगा, बट आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड नो दिस कि GTH का मतलब गो टू हेल होता है। यूजुअली ये शॉर्ट फॉर्म इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या किसी भी मैसेजिंग ऐप में मैसेज करते वक्त यूज किया जाता है, और क्योंकि पैन के ग्रैंडपा का नाम सेटन है जो कि एक डेविल का नाम होता है, तो ये फुल फॉर्म यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है। ऑल्सो ये सेम लोगो वाली आउटफिट विडेल ने भी पहनी थी बैटल ऑफ गॉड्स में, इफ यू रिमेम्बर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सीन, वी सी गोकू फाइटिंग ब्रॉली एट बीरस प्लैनेट। वाओ, किसी ने एक्सपेक्ट भी किया था कि हमें ब्रॉली दिखाया जाएगा इस मूवी में? और मूवी का तो छोड़ो, क्या किसी ने ये एक्सपेक्ट भी किया था कि हमें ब्रॉली का रिवील सबसे पहले वाले प्रोमो फुटेज में ही देखने को मिल जाएगा? वेल, दैट रियली केम विद अ सरप्राइज। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये ब्लू कलर के ब्लास्ट पिकलो की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और वो मेडिटेट कर रहा होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये ब्लू कलर के ब्लास्ट पिकलो पर कौन फेंक रहा है? विजुअली देखने पर तो ये की ब्लास्ट से थोड़ा अलग लग रहा है, मतलब की ब्लास्ट हमेशा सर्कुलर शेप के होते हैं बट ये स्ट्रेट लाइंस हैं, सो प्रोबेबली ये अटैक गामा 2 ही कर रहा है अपने गन से। टोरियामा ने जो कैरेक्टर शीट्स बनाया था उसमें भी वो गन के लेजर्स को उन्होंने ब्लू ही इलस्ट्रेट किया था। एंड अगले ही सीन में गामा 2 पिकलो के घर के आसपास वाली लोकेशन में दिखाई देता है, सो इट प्रोबेबली वाज हिम विथ हिज गन। और अगर ये सच में एंड्रॉइड हुआ तो पिकलो को इसके प्रेजेंस का एहसास होगा ही नहीं, विच माइट एक्सप्लेन वाई पिकलो उन ब्लास्ट को देखकर इतनी देर से क्यों रिएक्ट करता है। वो प्रोबेबली उसी सेकंड में अपने केप और टर्बन को वहां पर छोड़ के कहीं दूर निकल जाएगा और गामा 2 को चकमा दे जाएगा, जिस वजह से इस सीन में वो बिना केप और टर्बन के है और किसी से फाइट कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली गामा 2 के साथ। ऑल्सो इफ वी जूम इन, हम देख सकते हैं कि पिकलो के अराउंड जो सर्कुलर पहाड़ है वो नीचे वाले पहाड़ को छोड़कर थोड़ा ऊपर है, मतलब वो वाला रीजन भी पिकलो के साथ फ्लोट कर रहा है एज ही मेडिटेट्स। हमने एक्चुअली ये चीज पुराने वाले आर्टवर्क में भी देखी थी राइट हियर, और ट्रेलर का ये शॉट सबसे अच्छी तरह से आपको डिस्क्राइब कर सकता है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेलर के लास्ट शॉट में हम लोग फिर से रेड रिबन आर्मी के लैबोरेटरी में पहुंचते हैं और पीछे मॉनिटर पर अब मिस्टर सेटन का फोटो डिस्प्ले होता है और गामा 2 ग्रेट सेयर मैन की पोस्ट की नकल कर रहा है, तो इससे ये शायद कंफर्म हो सकता है कि मिस्टर सेटन से जस्ट पहले ग्रेट सेयर मैन का प्रोफाइल उन्हें दिखाया गया होगा। और जैसा कि मैंने अपने ट्वीट्स में कहा था, गामा 2 एक फनी बंदा है जो कि फाइट को एंजॉय करता है, मच लाइक गोहान एंड गोकू, तो यहाँ पर वो नकल करके बस ऐसे ही मजा करने के लिए ऐसा कर रहा होगा। फाइनल डिटेल की तरफ चलते हैं जो कि हमें एक तगड़ा एविडेंस प्रोवाइड करती है गामा 1 एंड गामा 2 को एंड्रॉइड साबित करने के लिए। इस लेफ्ट वाली मशीन को ध्यान से देखो, ये एक्चुअली में एक चैम्बर है जिसमें कई वायर्स लगे हुए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस चैम्बर के ऊपर 1 लिखा हुआ है और वो भी रेड कलर का और एकदम सेम फॉन्ट स्टाइल में जैसे कि गामा 1 के चेस्ट पर 1 लिखा हुआ है। दिस कुड कंफर्म दैट गामा 1 उसी चैम्बर से बाहर निकल कर आया है और उन दोनों को उनके मिशन के बारे में बताया जा रहा है। एंड आई रियली थिंक कि गोकू एंड वेजिटा का इस मूवी में बहुत ही कम स्क्रीन टाइम होने वाला है, क्योंकि
अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड अल्ट्रा ईगो बहुत ही पावरफुल फॉर्म्स हैं जिनके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा अगर अनलेस कोई ड्रैगन से विश ना मांग ले। ऑल्सो अगर मूवी में गोकू और वेजिटा ने अपने मास्टर्ड अल्ट्रा फॉर्म्स का यूज किया तो जो लार्ज ऑडियंस है जिन्होंने मांगा नहीं पड़ी है उनके लिए वो सब एक स्पॉइलर हो जाएगा और आई डोंट थिंक कि वो लोग मूवी में अल्ट्रा ईगो या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर्ड को इन्वॉल्व करेंगे। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो टेल मी, क्या आपने इन सभी डिटेल्स को गौर किया था? आई होप कि मुझसे कोई डिटेल छूट नहीं गई है और अगर आपको कोई नई डिटेल नजर आती है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ या फिर ट्विटर इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करके बताओ। वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय। ऑल राइट देन, एक बोनस डिटेल। ट्रेलर में दिखाए गए ये दो कैरेक्टर्स के डिजाइन कुछ हद तक बहुत हद तक बायो ब्रॉली मूवी के इन दो लोगों जैसे लग रहे हैं। बायो ब्रॉली मूवी में भी मिस्टर सेटन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताया गया था और इस मूवी में भी शायद रेड रिबन आर्मी वही सोचती है कि मिस्टर सेटन ने ही सेल को हराया था। और बायो ब्रॉली में जो भी सब हुआ था वो सभी सुपर हीरो में देखने को मिल रहा है। लाइक वी गॉट ब्रॉली हियर एंड बायो वॉरियर्स की जगह हमें गैमा वन एंड गैमा टू देखने को मिले हैं। जैगुआर और मैन मैन की जगह हमें उनके जैसे दिखने वाले कैरेक्टर्स मिले हैं और मिस्टर सेटन का मूवी के प्लॉट में इन्वॉल्व होना और बायो ब्रॉली मूवी में भी गोकू और वेजिटा कहीं नजर नहीं आए थे और सुपर हीरो मूवी में गोकू तो बीरस के प्लेनेट पर है और वेजिटा न जाने किधर भटक रहा है। वेल तो ये कुछ सिमिलरिटीज थी बायो ब्रॉली और सुपर हीरो मूवी को लेकर। आपको जो सोचना है आप वो सोचो।